बिहार के नालंदा से बड़ी खबर आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को नगर थाना इलाके के सराय मोहल्ले में कारोबारी के घर हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटी गई रुपए के साथ पूर्व वार्ड पार्षद समेत चार अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि 24 अक्टूबर को देर शाम कारोबारी सौरभ किशोर के घर से हथियार के बल पर नकदी रुपए और जेवरात की लूट हुई थी, जिसके बाद वैज्ञानिक तरीके से जांच किया जा रहा था। इसी बीच पूर्व वार्ड पार्षद मंटू को गिरफ्तार किया गया था। मंटू से पूछताछ की गई तो उसने इस घटना में शामिल होने की बात कबूल किया और 9 अपराधियों का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न थाना इलाके में छापेमारी कर 3 अन्य अपराधियों को लूट की पैसे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मंटू ने बताया कि विधायक के चुनाव लड़ने के लिए एक सफेद पोश के इशारे पर इस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने अपराधियों के पास से 42,000 रुपए बरामद किया है, जो कारोबारी के घर से लूटे गए थे। उन्होंने बताया कि फरार अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार से विजय कुमार शर्मा की रिपोर्ट। रुको,